भारत और इंग्लैंड के बीच 4 अगस्त से 5 मैचों की हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज खेली जानी है, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शुभमन गिल चोट के चलते सीरीज से पहले ही बाहर हो गए हैं, लेकिन अब उनके अलावा 2 और खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं। भारत की सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की घुटने में गंभीर चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो वापस भारत लौट गए हैं, जिसके बाद अभ्यास मैच में उंगलियों में चोट के कारण स्टैंड बाई तेज गेंदबाज आबिद खान भी सीरीज से बाहर हो गए हैं। अब टीम इंडिया के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है। भारतीय टीम की स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भी चोटिल हो गए हैं, जिसके चलते वो इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए हैं। दरअसल वाशिंगटन सुंदर को पिछले कुछ वक्त से उंगलियों में परेशानी थी। दिक्कत और बढ़ गई जब अभ्यास मैच में पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरे थे। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि अब वाशिंगटन की उंगलियों में आबिद खान की तरह ही फ्रैक्चर हो गए हैं। आबिद के अंगूठी के हड्डी अब जगह से सिरक गए हैं। दोनों टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं और स्वदेश लौट गए हैं। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने फिर से गेंदबाजी करने में लगभग 5 हफ्ते का समय लगेगा और ऐसे में उनकी टीम के साथ रुकने का कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन दोनों खिलाड़ियों को रिप्लेसमेंट के तौर पर किन खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, आप हमें कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।